वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। क्या हाल चाल है? आई होप सभी के सभी अच्छे होंगे और हम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और आज जहाँ जगह जा रहे हैं हम, उसके लिए हमको व्लॉग की स्टार्ट करनी पड़ेगी बोल के जय सिया राम, जय सिया राम, जय बजरंग बली। ठीक है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक इतनी बहुत ही ज़्यादा लाइक क्या कहते हो माननीय जगह, वो बहुत माननीय जगह है और वह हम जा रहे हैं जय बजरंग बली। तो हम जा रहे हैं बजरंग बली के मंदिर जो कि भोपाल में छिन है, भोपाल से थोड़ा सा 120 किलोमीटर दूर वहाँ पर। और इसी बहाने हमारी संडे राइड भी हो जाएगी, तो संडे है आज, वैसे आपको नहीं पता हो तो संडे राइड भी हो जाएगी और हमारा दोनों काम हो जाएगा। तो यस, चलो चलते हैं, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओ भाई, टाइम हो गया 7:40, जो कि हमारा प्लान था 6 बजे का निकलने का। खैर, हमें पता था कि 6 बजे तो निकल नहीं पाएंगे, इतना भी आसान नहीं है। तो 6 बजे हम उठे और अब जाके 7:40 पे हम जाके उठ के तैयार होके जो है निकले हैं। तो समझ रहे हो आप, मतलब 1.5 घंटा तो मतलब आप एक्सटेंड करके चलो, अगर आपका प्लानिंग है ऐसा कहीं जाने का तो 1.5 घंटा तो मिनिमम प्लानिंग करके ही चलने का, वरना फिर तो हो गया काम। टाइम पर आप कभी नहीं निकल सकते हो भाई, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और बताओ गाइस, क्या हालचाल है आप लोगों के? यार आप लोगों के थोड़े हालचाल भी पूछने चाहिए यार, कमेंट सेक्शन में जो है अभी वीडियो पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से बता दो कि क्या हालचाल है आपके, सब सेट है कि नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे यहाँ पे आएगा, उसको फॉलो कर लेने का फटाफट से, ठीक है? जिससे क्या होगा कि आपको सारी की सारी जो हमारी अपडेट से वो मिलती रहेंगी। लाइव लोकेशन यार, नहीं नहीं नहीं, सीधे सीधे, अरे आखिर में रोक देता आराम ज़्यादा। अब भोपाल के बाहर रुकेंगे और क्या करके बाहर? थोड़ी चाय पी लेते हैं सबसे पहले अपनी फेवरेट जगह पर, अपना मीटिंग पॉइंट पर। यह है अपना मीटिंग पॉइंट अश्विनी अमृततुल्य, जो कि आई थिंक महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस है, बाकी यहाँ भी आ चुका है बहुत सारा। खैर ठीक है, कोई नहीं, अभी जल्दी से चाय पीते हैं। दोनों बाइक देखो खड़ी हो गई हैं ऑलरेडी। हाँ चलो चलो लेट्स गो। फर्स्ट ब्रेक ले लिया हमने, फर्स्ट ब्रेक क्या ले लिया, स्टार्टिंग जो है मीटिंग पॉइंट है हमारा ये। तो यहाँ पे एक एक चाय तो पीनी बनती ही थी, तो अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, लेट्स गो। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, ज़्यादा स्टॉप्स नहीं लेंगे एज ऑफ नाउ। इस बार हम अभी के लिए फर्स्ट जब सामने से जाएंगे उस टाइम आते टाइम हम ज़रूर काफ़ी मतलब ब्रेक लेते लेते आराम से आएंगे, क्योंकि तो हमको यहाँ से थोड़ा जल्दी डिस्टेंस कवर करना है। उसके बाद वापस आएंगे जब, तो वापस भले आराम से घूमते घूमते आएंगे, क्योंकि मेनली होता क्या है कि हम यहाँ से आराम से घूमते घूमते जाते हैं, वहाँ पे फिर जो है नाइट हो जाता है, या फिर नाइट हो जाता है तो, और नाइट हो जाएगा अगर तो फिर आपको पता ही है कि रात में जो है बाइक चलाने में थोड़ा सा जो है दिक्कत होता है। तो वी विल ट्राई कि हम नाइट ट्रेवल ना करें, और हम जो दिन दिन में जो है पहले 120 किलोमीटर तो मेनली ज़्यादा 2-2.5 घंटा लगना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगेगा 2-2.5 घंटे ज़्यादा, जहाँ तक मुझे पता है, अगर ब्रेक ज़्यादा नहीं लेते हम, एक आध छोटा मोटा ब्रेक लेंगे। एक फेमस कचौड़ी वाला है जो कि ये बता रहा है, अभी अजय बताया मेरे को, कचौड़ी वाला है एक बहुत बढ़िया सा, तो वहाँ पर ज़रूर अपन एक बार रुकेंगे। फिर जो है फटाफट से जो है फ्यूल अप करवा लेते हैं। और ये वाला जो मैंने पेट्रोल पम्प आपको शायद से पिछली वीडियो में ही बताया था कि ये वाला पेट्रोल पम्प डिस्काउंट डिस्काउंट दे देता भाई तेरे से, टंग 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 टंग। ओहो, 779 में फुल हुआ। अब सीधे 50 किलोमीटर पर की गाड़ी आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर तू मुझे। छोटे छोटे बच्चों के मुंह में स्माइल दिख गई मेरे को, तो दिन बन जाता है भाई छोटे छोटे बच्चों के मुंह में स्माइल देख के। देखते हैं 50 किलोमीटर के आसपास जो भी पड़ेगा वहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, क्योंकि ये अब सेंस नहीं है, क्योंकि अंधेर तो को सुबह भी उजाला भी बहुत अच्छे से होने लग गया है, तो अब जो है सेंस नहीं है ज़्यादा ब्रेक लेने का, वरना फिर गर्मी लगेगा बीच बीच में, और फिर गर्मी लगेगा तो आपको पता है कि बिल्कुल मज़ा नहीं आने का है। वो भयंकर वाली बिल्कुल प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की। अब जो है हम फाइनली जो है भोपाल से के आउटर में आने वाले हैं, ये फाइनली यहाँ पर जाके भोपाल जो है एंड होता है। मतलब एक गेट है, मतलब बहुत सारे गेट्स हैं जहाँ से अलग अलग तरह से जो है भोपाल
का जो है रास खत्म होता है। रोम रोम भाइयो, सिस्टम फाड़ देंगे। चलो बस, चलो चलो बस, चलो चलो चलो, चलते ही रहो बस, रुकने का नहीं है। रोड बहुत प्यारा है, बिल्कुल रुकने का नहीं है। सेक्सी सेक्सी रोड है। बहुत ज़्यादा धुआं करा, घासे डाल के चला रहा है क्या गाड़ी? क्या है भाई ये? भैया आग लग गई टायर में से। भाई ये रोड ना बहुत नहीं है भाई, नॉट फॉर बाइक्स ब्रो, सीरियसली ब्रो, दिस रोड इज़ नॉट फॉर बाइक्स भाई। वो है ही नहीं सीधा सीधा रोड, बहुत बम्पी बम्पी रोड है। इस रोड में कैसे काम चलेगा ना बिल्कुल? स्पीड तो क्रॉसिंग स्पीड देखो 75-85 आराम से हो जाता है, और बाकी विंड ब्लास्ट पड़ता है भाई, पड़। नेकेड बाइक की यही तो नुकसान है बस। मंडीदीप आ गए हैं वैसे। मंडीदीप जो है एक भोपाल का से आउटर एरिया है, और ये इंडस्ट्रियल एरिया है मेनली। यहाँ पर जो है बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह जो होती है ना, वो बहुत सारी है यहाँ पर। चलो दोस्तों, टोल गेट आया है, हमारे कोई काम का नहीं है। ये कर रहा भाई, देखा एरिया है। हाँ तो यहाँ से हमको लेना है नीचे की साइड, दूसरा रोड पकड़ना है हमको। सामने दूसरा रोड निकल जाता है, सामने इटारसी वगैरह का रोड निकल जाता है, हमको नीचे जाना है। मज़ा नहीं लाइफ ये। आज ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने जीन्स पहन के आया हूँ, इसकी वजह से मेरी पिछवाड़ा दुख रहा है, पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है। बाकी मेरे को भूख लग रही है भाई, बहुत जोरों से। और जल्दी जल्दी से 50 किलोमीटर कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद कुछ खाएँगे भाई। भाई अब टॉयलेट भी आ रही है, भूख भी लग रही है, प्यास भी आ रही है, सब कुछ आ रही है बहुत जोर से। पर यहाँ कुछ खाने का देखना पड़ेगा पहले तो, ये खाने का कुछ है कि नहीं है भाई, खाने का तो। खाने का दे दो भाई, कोई तो खाने का दे दो भाई। नॉर्मली टच हो ही जाती है 100 तो। भाई क्या वेदर है भाई, और क्या लोकेशन है ये भाई। ऐसे रोड पे चलाने का मजा ही कुछ और है भाई, मैं कभी थकू ही ना ऐसे रोड पे चलाना हुआ गाड़ी तो। सेक्सी भाई। ओह गाय कितनी सारी है भाई, यहाँ तो आराम से चलना पड़ेगा भाई। और दंगे हुआ, दंगे। माता माता, चलो चलो चलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखो गाइस क्या नज़ारा है, आ हा 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 हा, ये सा नज़ारा देखो, वहाँ पर कितना बढ़िया सा झील है, तालाब है मेरे हिसाब से, बहुत प्यारा था। और रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे यार, रोड के बारे में है? रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बम से यार सर, है ना, बम से, बहुत बम से। रोड के इंजीनियर्स मतलब ऐसे सीधे पट्टी लगा के नहीं बनाते। हाँ तो सीधी पट्टी रखते, वाटर लेवल चेक नहीं करते, आधा ढुचुक ढुचुक करते सारे। ढुचुक हमारी गाड़ी ऐसी ऐसी। हाँ भाई कार के लिए ठीक है, फिर भी बाइक के लिए नहीं अच्छा। बाकी अभी चलते हैं आगे और फटाफट से जो है कुछ खाते पीते हैं यार, क्योंकि भूख लग रही है भाई। इतने प्यारी प्यारी सड़कें भाई, सीरियसली मतलब देखने में कितना, देखो यारा व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। ओहो हो अति सुंदरम, एकदम सब फेल इसके आगे भाई, ये वाला नेचर ब्यूटी। चाय 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 पिलवा दो कोई यार, चाय नहीं मिल रही है भाई हमको यहाँ पर। एक रेस्टोरेंट, एक नॉर्मल सा ढाबा या कुछ भी नहीं मिल रहा भाई, क्या हो रहा भाई ये। लूबाग में देखते एलियनू में, और उस साइड सब कुछ है, सारे उस साइड है सबके सब। ठरकी अच्छा, टिकरी 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 है भाई, टिकरी ये है टिकरी। चाय तो मिली जाएगी, चाय 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 भैया, चाय मिल जाएगी चाय। यार ये जगह में रिकॉर्ड करने से मन हट ही नहीं रहा मेरा, क्या रिकॉर्ड करता रहूं। क्या जगह है भाई, मतलब ऐसा मन ही नहीं कर रहा कि रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, समझ रहे हो। दिस इज लाइक अ हेवन। देखो लोग बाग वो बैठे हुए हैं, बढ़िया मस्त खेती कर रहे हैं, बढ़िया चिल एकदम शांति से। और इतना आज का जो मौसम है वो मतलब सूरज तो आ रहा है खैर नॉर्मल सा, पर गर्म नहीं है। अभी आगे नाश्ता करेंगे, नाश्ते के भी रुकेंगे, इसलिए हम ज़्यादा ट्रेन नहीं रुके यहाँ पे, 15-20 मिनट रुके। और 15-20 मिनट तो ऐसे निकलते हैं पता ही नहीं चलता यार। और हमारा तो मोटिव वही था कि रुक रुक के आराम से जाएंगे, पर इतना भी नहीं रुकेंगे कि वहाँ से आते टाइम हम ज़्यादा रुकेंगे मेनली।
अभी नहीं रुकेंगे इतना, अभी तो बस थोड़ा बहुत नाश्ता करके फिर आप सीधे सीधे 100-110 किलोमीटर पे ही ब्रेक लेंगे, या तो सीधे छिंद पे ही जाएंगे रुकेंगे आप सीधा का सीधा जहाँ पे हम जा रहे हैं मंदिर पे। छिंद मंदिर है, छिंद नाम है उस मंदिर का, तो बहुत ही अच्छी जगह है वो। लाइक आप जाओगे तो मतलब वहाँ पे बहुत सारी लोगों की यार मनोकामनाएं पूरी होती है। हम खैर मैं कुछ मनोकामना लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं मिलने जा रहा हूँ बस, मतलब कि यार हाँ बस दर्शन करने जा रहा हूँ मेन चीज़ भाई, अपन उसके लिए नहीं जा रहे हैं किसी फेवर के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं जा रहे हैं भाई, ये कि अपन बस मिलने जा रहे हैं भगवान से, बजरंग बली से। तो बोलो जय सिया राम, चलिए कमेंट सेक्शन में जय सिया राम। तो कैसे हैं मेरे इस के चाहने वालों, मेरे ब्लॉग के चाहने वालों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ जल्दी जल्दी से, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर मैं उसके हिसाब से नाचू थोड़ा सा तुम्हारे लिए। साड़ो मजे करो भाई, मजा आना चाहिए तुम लोगों को। माय गॉड गाइस लुक एट दिस व्यू ब्रो, कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई साहब, ये वाला भाई ये क्या व्यू है भाई। बहुत अच्छा खासा ब्रेक ले लिया है हमने, अभी जो टाइम हो रहा है 11:02, 7:30 पे निकले, 8:30, 9:30, 10:30, 11, 4 घंटे, 3, हम तो आराम से चल रहे हैं इसलिए हमको आराम से गैप लग रहा है टाइम। मज़ा आ गया पर यहाँ पे बैठ के, हिम्मत तो नहीं हो रही थी उठने की, आराम करने का मन कर रहा था, पर ठीक है। बाकी यहाँ से व्यू देखो यार, ये गाड़ी खड़ी है और यहाँ का व्यू देखो, ओहो बहुत ही प्यारा। बाकी ये ढाबा देख लो, बाबा जी का ढाबा, यहाँ पे भी आएंगे अगली बार से। ओह मेरी गाड़ी है वो, देखना है उस यार को, वो तेज हो रिया है। चलो गाइस चलते हैं। बहुत अच्छा खासा ब्रेक ले लिया है हमने, अभी जो टाइम हो रहा है 11:02, 7:30 बजे निकले, 8:30, 9:30, 10:30, 11, 4 घंटे, 3, हम तो आराम से चल रहे हैं इसलिए हमको आराम से गैप लग रहा है टाइम। मज़ा आ गया पर यहाँ पे बैठ के, हिम्मत तो नहीं हो रही थी उठने की, आराम करने का मन कर रहा था, पर ठीक है। बाकी यहाँ से व्यू देखो यार, ये गाड़ी खड़ी है और यहाँ का व्यू देखो, ओहो बहुत ही प्यारा। बाकी ये ढाबा देख लो, बाबा जी का ढाबा, यहाँ पे भी आएंगे अगली बार से। ओह मेरी गाड़ी है वो, देखना है उस यार को, वो तेज हो रिया है। चलो गाइस चलते हैं। तो यहाँ पर जो है फौजी भाइयों के लिए देखो निशुल्क सेवा है, तो अगर आप फौजी हो तो आप आओ आराम से और इन्जॉय करो निशुल्क सेवा। चलो, और ये ऐसा व्यू दिख जाता है तो फिर हिम्मत हो जाती है। क्या बढ़िया व्यू यार भाई, मेरा आगे एक जगह थी जो इम्पोर्टेंट जगह थी, वहीं पे मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, उसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। क्या व्यू था भाई, और उन सब का जो फोटोज़ वगैरह है, बहुत ही प्यारे प्यारे फोटोज़ मैंने क्लिक किए, तो वो फोटोज़ आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पर। जल्दी जल्दी से फॉलो कर लो इंस्टाग्राम को गाइस, फॉलो कर लो। चलो यहाँ से सिर्फ 28-30 किलोमीटर के आसपास कुछ बचा है अभी छिंद, तो ठीक है ज़्यादा कुछ नहीं। और भाई साहब ब्रो देखो यार सेक्सी, चलो आगे मिलते हैं हम आपको। मंजिल भी राह छीन लेती है, रास्ते मगर खो जाते हैं, दिल तो पागल है दिल दीवाना है। डन 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 डन, आधा दिल है गाइस, आधा दिल किसके पास यार, आधा दिल हो रहा है भाई, एक पूरा दिल कैसे बनेगा, ये कैसे बनाते हैं पूरा दिल, पता नहीं भाई अपने को नहीं आता। आई होप आप लोगों को ये ट्रिप में भी मज़ा आ रहा होगा यार, हमारी मॉर्निंग राइड यार ही ऐसे ही, हमारी मॉर्निंग राइड ऐसी होती है भाई, सीधे शाम को घर आओ समझ रहे हो। मॉर्निंग राइड क्या है, 5-5, 8-8 किलोमीटर की नहीं होती ना हमारी मॉर्निंग राइड, होती सीधे 150-150 किलोमीटर की। हम भयंकर लोग हैं गाइस, हम भयंकर।
चलो भाई लो, यहाँ से मुड़ना है हमको राइट, और इसके बाद जो है हम पहुँच जाएंगे सीधा छिंद वाले रोड पर। और ये वाला रोड, हाँ आई थिंक ये वही वाला रोड है जो कि वहाँ लगता है। और थोड़ा सा आराम से चलेंगे क्योंकि लोग बाग काफ़ी स्पीड से आते हैं यहाँ पर मेनली, और अपन नहीं चाह रहे भाई कि कोई स्पीड स्पीड से दो ना धूम धड़ाका हो। यार वो गांव वाला रास्ता है छोटा सा जो होता है, टू वन वे, वन वे है और सिंगल वहीं है इसकी टांग मस्त वाला, मस्त अंदर ही हमको हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा जो है हनुमान जी का मंदिर। जय श्री राम। ये जो केसरी है लाल तेरा, हाँ यही होगा, ये लिखा है ना इस पे। अच्छा हनुमान मंदिर छिंद धाम, देख लो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम थोड़ा शॉर्टकट से आ गए थे, और देखो यार रोड देखो गाइस, रोड देखो रोड। और ये हम आ चुके हैं छोटे से गांव में एक, जहाँ पे वापस से हमको गौ माताएं बहुत सारी मिल गई हैं। हेलो गौ माता, कैसे हो? बिल्कुल भयंकर तरीके से जो है लोग बाग टक 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 टक। क्या हम चांद पे आ गए हैं गाइस? चांद पे, ओ चांद पे पानी मिला। थोड़ा सा तो कच्चा रोड है जो कि यार नॉर्मल सी बात है कि गांव में तो रह गई, हर गांव तो डेवलप नहीं होता है। क्या ठीक है, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग तो हम झेल ही लेते हैं गाइस। शायद से हम पहुंच गए हैं क्योंकि प्रसाद भंडार मेरे को दिख रहा है। अरे हाँ हम तो पहुंच गए भाई, अंदर पार्किंग लगा आराम से इसकी तो, मस्त 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 मस्त, और मज्जा ही मज्जा करो। अंदर लगा दे, अंदर इधर लगा दे, उधर इधर लगाए ना, उधर क्यों ले जा रहा है, उधर कर देना। चलो दर्शन हो गए हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से। आज संडे था पर कुछ भी मतलब रश भीड़ नहीं था, सब आराम से हुआ क्योंकि यहाँ पर मंगलवार को सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है, तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए। बाकी फ़ोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं थे अंदर, आजकल हर जगह बंद कर दिए फ़ोटोज़ वगैरह अलाउड करना। तो थोड़े बहुत जो है मैं बाहर का आपको दिखा दूँगा जो कि आपने शायद से देख ही लिया होगा। तो चलो गाइस आई थिंक आज के लिए, इस व्लॉग के लिए इतना काफ़ी है, और अब हम जा रहे हैं। चलो आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, थोड़ा मज़ेदार भी लगा होगा, थोड़ा बोरिंग भी लगा होगा मुझे पता है, बट यस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट वाला लोग होते हैं जो इंटरेस्ट से देखते हैं वो तो देख ही लेते हैं यार, ऐसा कुछ भी कर लो। चलो हमारी संडे राइड यहीं पर ख़त्म होती है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा यार वीडियो। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू ऑन टुमारो नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।